गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दो क्वेश्चन कराया था जनरल एंट्री का, बराबर। एक मैंने कराया था परचेज का कराया था और एक कराया था सेल्स का कराया था, बराबर। एक क्रय का कराया था और एक विक्रय का कराया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराने वाला हूँ, तीसरा क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो आपको कौन सा भी क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, कौन सा भी प्रश्न आपके सामने रहेगा, मैं लिख के देता हूँ उसका आंसर आप पूरा सही करो, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित लेन देन रोज नाम से में लिखिए, यानी जनरल एंट्री है। सबसे पहला क्या लिखा है, 2020 मार्च 1 व्यापार आरंभ किया, यानी स्टार्टिंग बिजनेस। जाहिर सी बात है अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बराबर, तो हमको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। कोई भी बिजनेस अगर हम स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। और वो पैसे हम जनरल एंट्री में क्या लिखेंगे, उसी तरह साल लिखा हुआ है 2020 मार्च, पहला मार्च है, बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। और किससे स्टार्ट करेंगे हम लोग, कैसे, यहां पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू। और बिजनेस में अगर हम पैसे डालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो यहां पे क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितने से स्टार्ट किया हमने, 20,000 से, तो हमने यहां पे 20,000 लिख दिया। और नरेशन क्या लिखना है आपके क्वेश्चन में, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने बिजनेस स्टार्ट किया और पैसा उसमें डाला। दूसरा क्या लिखा हुआ है, मार्च 6 नगद माल खरीदा, यानी पैसे देके हमने माल खरीदा। तो उसकी एंट्री तो मुझे पता है, आपको याद है, आपको आ गया होगा। यहां भी आएगा मार्च 6, ठीक है, खरीदा, खरीदा की एंट्री क्या आएगी, क्रय यानी परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो नगद खरीदा है। तो यहां भी आ जाएगा टू कैश अकाउंट, 7,000 आपका डेबिट साइड में हो गया, 7,000 आपका क्रेडिट साइड में हो गया। फिर उसी तरह नरेशन का लिखना है, गुड्स परचेज ऑन कैश, गुड्स परचेज ऑन कैश। इतना आसानी देखिए, आपका नरेशन भी आपको मिल जा रहा है, क्वेश्चन में से आपको नरेशन मिल जा रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 8 मार्च नगद माल बेचा, नगद माल बेचा यानी बेच दिया, तो हमारे पास आया क्या, पैसे। कौन सा मार्च है, 8 मार्च, तो यहां भी क्या रहेगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 8,000 डेबिट में आ गया और 8,000 आपका क्रेडिट में आ गया। फिर वही करना है, गुड सोल्ड ऑन कैश, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नगद माल खरीदा हो गया, नगद माल बेचा हो गया, आ से माल खरीदा, यानी ए से हमने माल खरीदा, किसे खरीदा, आ से। और कितना मार्च है, 10 मार्च, मार्च 10, ठीक है। तो वही सेम आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट किससे खरीदा, टू एज अकाउंट, टू एज अकाउंट। और कितने का माल खरीदा, आज से माल खरीदा 3,000 का, तो 3,000 आपके डेबिट साइड में आ गया और 3,000 आपके क्रेडिट साइड में आ गया। फिर वही चीज, गुड्स परचेज फ्रॉम ए, गुड परचेज फ्रॉम ए। अब बाप को माल बेचा, यहां पे देखिए, यहां पे क्या था, परचेज टू ए हो गया, ये खरीदने वाला ए से खरीदा था, अभी क्या हो रहा है, बा से
को माल बेचा, यानी बा को माल बेचा, तो एंट्री क्या जाएगी? मार्च कौन सा है आपका? 12 मार्च। मार्च 12, ठीक है। यहाँ पे एंट्री क्या जाएगी? 20 अकाउंट डेबिट बी को बेचा टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कितना है? 4000। तो 4000 आपके डेबिट साइड में आ गया, उसी तरह आपका 4000 आपके क्रेडिट साइड में आ गया। सोल्ड गुड्स टू बी, सोल्ड गुड्स टू बी, बी को माल बेचा, ठीक है। अब उसके बाद जाहिर सी बात है, कोई भी चीज हम खरीदते हैं बेचते हैं, पैसा कभी तो आएगा, उसकी एंट्री देगी यहाँ पे 17वीं का लिखा है, आपको रुपये दिए, बराबर। यानी ए से जो खरीदा था, परचेज जो किया था, अब उसको पैसे देना है, तो उसकी एंट्री क्या आएगी? कौन सी मार्च है? 17 मार्च। मार्च 17, बराबर। तो क्या है? आपको रुपये दिए, तो यहाँ पे क्या जाएगा? ए अकाउंट डेबिट रुपये दिए, यानी टू कैश अकाउंट, ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना है? 1000 रुपया। तो 1000 आपका डेबिट में हो गया, 1000 आपका क्रेडिट में हो गया, ठीक है। उसी तरह यही नरेशन क्या जाएगा? पेड कैश टू ए। उसके बाद मार्च 22 से रुपए मिले, रिसीव कैश फ्रॉम बी, यानी कैश आया, पैसे मिले, क्योंकि बेचा था, यहाँ पे बेचा है ना, बीज अकाउंट नेगेटिव सेल, उसी तरह यहाँ पे एंट्री आएगी, कौन से डेट की आएगी? 22 मार्च 2020, ठीक है। पैसे मिल रहे हैं, तो इधर क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट किससे मिल रहे हैं? पैसे किससे मिल रहे हैं? बा से रुपए मिल रहे हैं, क्या आ जाएगा? टू बीज अकाउंट। कितने पैसे मिले? 2000। तो 2000 आपका डेबिट साइड हो गया, 2000 आपका क्रेडिट साइड हो गया, क्या आ जाएगा? कैश रिसीव मिला, रोकड़ा मिला, रिसीव फ्रॉम बीज। उसके बाद क्या है 24 वाला? फर्नीचर नगद खरीदा, यानी रोकड़े में फर्नीचर हमने खरीदा, डेट कौन सा है आपका? 24। तो इधर क्या आ जाएगा? मार्च 24 क्या खरीदा? फर्नीचर। तो यहाँ पे फर्नीचर वाली एंट्री आ जाएगी, कौन सी एंट्री आ जाएगी? फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या लिखा हुआ? नगद। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू कैश अकाउंट, हमारा फर्नीचर कितने का है? 5000 का। तो 5000 आपका डेबिट साइड हो गया, 5000 आपका क्रेडिट साइड हो गया। नरेशन वही आपका लिखा हुआ है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, क्या आ जाएगा? परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है। उसके बाद 26 वाली एंट्री क्या है? ब्याज लिया, जाहिर सी बात है, बिजनेसमैन के पास अगर कम पैसे होते हैं तो पैसे तो अपने बिजनेस में लगाता है, कुछ उधार भी देता है, बराबर। और जो उधार देता है तो उसका ब्याज तो उसको देना है, ब्याज दिया यानी इंटरेस्ट पेड, बराबर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मार्च 26 क्या पे कर रहा है? ब्याज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट यहाँ पे आ गया टू कैश अकाउंट। कितना ब्याज भर रहा है? 300 ब्याज भर रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेबिट अमाउंट में आपका 300 आ गया, उसी तरह आपका क्रेडिट अमाउंट में 300 आ गया। नरेशन वही, इंटरेस्ट पेड, नरेशन आ जाएगा आपका इंटरेस्ट पेड, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 26 के बाद 28 वाला कमीशन मिला, कमीशन दिया नहीं है, कमीशन मिल रहा है, हमारे पास कमीशन आ रहा है, तो जाहिर सी बात है पैसे आ रहे होंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5/28 आ रहा है, यानी रोकड़ा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अब देखिए कितना कमीशन आया, 400 रुपये आया, तो 400 रुपये आपका डेबिट साइड में हो गया और 400 रुपये आपका क्रेडिट साइड में हो गया। कमीशन रिसीव, यहाँ पे क्या लिखोगे, कमीशन रिसीव, मैंने क्या बोला, आपका जो भी क्वेश्चन है वो आपका नरेशन में आ गया, जो भी आपका क्वेश्चन होता है वो आपके नरेशन में। लास्ट वाला लिखा है 31 मार्च, यानी 31 मार्च क्या लिखा हुआ है, सैलरी दिया, कंपनी ने सैलरी दिया, यानी उसके लिए खर्चा है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कंपनी के लिए जो भी खर्चा है वो डेबिट होगा, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो किराया हो, चाहे वो लाइट बिल हो, कोई भी चीज़ अगर कंपनी भर रही है तो उसके लिए खर्चा है। अभी क्या है, सैलरी दे रहे हैं, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चा दे रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्या इसी बात है, सैलरी कैश में ही देगा या तो उनके खाते में देगा, अगर जो एम्प्लॉय वगैरह काम करे तो उनके खाते में चले जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया, खाली लिखा हुआ वेतन दिया, यानी सैलरी पे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5000 आपका डेबिट साइड में हो गया और 5000 आपका क्रेडिट साइड में हो गया। अब देखते हैं इसका टोटल, ये होने के बाद आपको इसका टोटल करना रहता है कि टोटल कितना हो गया, सब टोटल अगर आप देखा जाए तो टोटल कितना हो गया, 20, 7, 27, 8, 35, 35, 38, 42, 42, 45, 50, 55, 55,700 हुआ। यहाँ पे क्या जाएगा, 55,700। इस तरह आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बेस पे आपको ये जनरल एंट्री बनाना है। मतलब मैं बोल दिया ना आपको, हमेशा मैं बोलता हूँ कि अगर आप ये समझ गए ना तो आपके सामने कौन सा भी प्रश्न हो जनरल से रिलेटेड, आप पूरा प्रश्न एकदम क्लियर कर लोगे, आप पूरा प्रश्न लिख लोगे, और पूरा अगर ये 10 मार्क्स का है तो अगर पूरा लिख लिए तो आपको पूरा 10 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। बस खाली आपको क्या करना है, जो मैं चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ, वो आप कॉपी में लिखिए, ठीक है। तो आपका काम क्या है, जितना मैं करा रहा हूँ उतना आप कॉपी में लिखिए।